जानता है कि चोरी चोरा का ऐतिहासिक स्थल देश की आजादी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था? कौन नहीं जानता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में देश की आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बड़ी बर्बरता बरती गई थी, कई गांव जलाए गए थे? कौन नहीं जानता है कि काकोरी कांड के महानायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी? कौन नहीं जानता है कि गोरखपुर की 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में वीर बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके ब्रिटिशर से भारत को मुक्त करने के लिए एक बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था? लोगों को जानकारी नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, लोगों को सही तथ्य नहीं सामने लाए गए। आज आवश्यकता है वहां पर हम बच्चों को लेके जाएं, स्थानीय गाइड के माध्यम से इसका प्रशिक्षण पहले से हो, पहले से इनके बारे में हम जानकारी दें, लोगों को बताएं, ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी और उन संभावनाओं को विकसित करने का समय आया है। और इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस की थीम का उद्देश्य भी यही है, हम पर्यटन केंद्रों को विकसित भी करें, पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण भी करें, उसकी स्वच्छता और उसकी सुंदरता को बनाए रखने में भी योगदान दें, लेकिन साथ साथ अपनी वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराने में भी अगर हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं तो यह और भी फलीभूत तरी होकर के विकसित होगा, आगे बढ़ने में इसको मदद मिलेगी। और आज इसी उद्देश्य से विश्व पर्यटन दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने स्कूली बच्चों को, कई स्कूली बच्चों को बसेस के माध्यम से कुशीनगर भ्रमण करने के लिए भेजा था। एक नया अवसर है अलग अलग स्थलों पर विद्यालयों के टूर का, ये अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान नहीं है, एक व्यावहारिक ज्ञान के लिए वह उन स्पॉट का विजिट करें जहां पर जाकर के उसको वास्तविक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। कौन थे गौतम बुद्ध, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। कौन थे संत कबीर, ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। कौन थे बंधु सिंह, ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। कौन थे रामप्रसाद बिस्मिल, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। ये सभी बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी रख पाएंगे और उस पर गौरव भी कर पाएंगे। अगर हम सम्मान दे रहे हैं तो गौरव भी करेंगे, और जब विरासत पर गौरव की अनुभूति होगी तो यह गौरव की अनुभूति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आगे बढ़ाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व पर्यटन दिवस हम सब के लिए फलीभूत हो, हम इनको विकसित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें, नई नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए अवसर दें। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था इसमें कुछ स्कूली बच्चों को तो मैंने यहाँ पे पुरस्कार दिया ही, लेकिन साथ साथ इस संबंध में यानी युवा पर्यटन क्लब के 10 सदस्यों को किट वितरित हुआ है, जिसमें जुबली इंटर कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को इसके लिए किया था। मुझे लगता है इसके लिए पूरे जनपद स्तर पर कंपटीशन, ओपन कंपटीशन कराया जाना चाहिए स्कूली स्तर पर। दूसरा, इस क्षेत्र में पर्यटन उद्यमियों को भी आज सम्मानित किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई थीम दी है होम स्टे का। बुंदेलखंड में बस्ती में होम स्टे के लिए भी हम प्रेरित कर सके लोगों को, अच्छी सुविधा अच्छी व्यवस्था, पहले से वेरिफिकेशन हो और जो परिवार इसके लिए तैयार होते हैं, बड़े बड़े घर बने हैं, कोई रहने वाला नहीं, एक परिवार रह रहा है, एक दो लोग रह रहे हैं, अगर होम स्टे के माध्यम से अगर आप इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं तो एक अतिरिक्त आमदनी भी होगी और नए नए लोगों से मिलने का एक अवसर भी लोगों को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर जो नए पर्यटन के उद्यमियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जिन युवा पर्यटन क्लब से जुड़े हुए 10 सदस्यों को किट वितरित हुआ है, इन सबको मैं बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इनके कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरित होकर के इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ करेंगे।
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्यटन